गाइस वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। खूब करो, आप सब सही होंगे, मस्त होंगे। अभी बज रहे रात के 12 और आपके भाई आपके सामने एक नए कंटेंट के साथ हाजिर है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ अभी थाने स्टेशन पे और मैं एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आज। जैसे कि मैंने आपको पिछला ब्लॉग में कहा था कि मैं जैन मंथ में एक नई जर्नी के साथ आऊँगा, तो फिलहाल मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ 22177 महानगरी एक्सप्रेस में, जो कि हम इसमें कवर करेंगे 29 स्टेशन और इसका जर्नी है 1509 किलोमीटर, जो कि इसकी जर्नी स्टार्ट होती है श्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से और ख़त्म होती है वाराणसी तक। तो हमारी जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं थाने से, तो चलिए देखते हैं अपने निर्धारित समय पे आती कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी चेक किया ये ऑलरेडी ट्रेन 5 मिनट डिले चल रही है। मैं अभी थाने स्टेशन पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, मैं भी शायद आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता होगा, उसके लिए बेहद क्षमा चाहता हूँ। लेकिन थाने स्टेशन पर 1:15 की इसकी टाइमिंग है आने का, लेकिन ऑलरेडी मैप में 5 मिनट लेट है, तो देखते हैं 1 बजे तक आती है या उससे भी ज़्यादा डिले होती है। जैसा भी होगा मैं आपसे मिलता रहूँगा और इसमें जितना से ज़्यादा स्टेशन हम कवर कर पाएंगे उतना करूँगा, क्योंकि रात की जर्नी है। 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद वैसे भी बाहर का सीन क्या कहीं कवर करेंगे, तो जो मेन स्टेशन होगा वो कवर करेंगे। वेट करते हैं अपना ट्रेन का, देखते कितने बजे तक आती है और फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। सो गाइस, फाइनली अपनी महानगरी अपने निर्धारित समय पे आ गई। S8 मेरा कोच नंबर है और अपनी ये महानगरी एक्सप्रेस जिस ट्रेन में मैं सफ़र करने वाला हूँ, स्लीपर क्लास में, जिसका मैंने तत्काल में टिकट निकाला और इसका फेयर है 840 रुपये। फिलहाल अपने निर्धारित समय पे तो हमने जर्नी स्टार्ट की थी थाने से और वहाँ पे मैं शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथ में लगेज था और मेरे साथ मेरी मॉम ट्रैवल कर रही है, तो क्या है ना, अभी भागम दौड़ी 3 मिनट का हॉल्ट था और उसके बाद वो सेटल करके बैग वगैरह रखना, उसमें मेरी ट्रेन स्टेशन से छूट गई, तो मैंने वहाँ पर जो अराइवल है वो कैप्चर नहीं कर पाया। फिलहाल अभी मैं पहुँच रहा हूँ कल्याण स्टेशन, तो देखते हैं कल्याण स्टेशन में ऑलरेडी 1 मिनट यहाँ पर ट्रेन लेट है, देखते हैं कितने समय में पहुँचती है। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कल्याण स्टेशन पे, जिसका कोड है KYN और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे फिलहाल अभी ट्रेन खड़ी है। यहाँ पे इसका होल्ट है 3 मिनट का, लेकिन ऑलरेडी ये ट्रेन यहाँ पे 6 मिनट डिले पहुँची है, तो देखते हैं यहाँ से अपने निर्धारित कितने समय पे यहाँ से ट्रेन निकलती है। सो दोस्तों, अभी बज रहे रात के 2 और फिलहाल सब देख रहे हैं आस पास सो गए हैं, लाइट भी सब बंद है, तो शूट करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। डिनर वगैरह मैं घर से करके आया था तो मैंने डिनर किया नहीं है, अभी चुपचाप सो जाऊंगा, डायरेक्टली आप लोगों से मिलता हूँ सवेरे, तब तक गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ बुरहानपुर में, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और फिलहाल अपनी ट्रेन जो है निर्धारित समय से 36 मिनट की देरी से चल रही है और अभी तक हमने कवर किया है 497 किलोमीटर। इसके बाद अगला स्टेशन आने वाला है खंडवा। हम अपने निर्धारित समय पे खंडवा स्टेशन पे आ चुके हैं और अपनी ट्रेन ने जो डिस्टेंस था वो कवर कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और इसका स्टेशन कोड है KNW और यहाँ पे 2 मिनट का इसका हॉल्ट है। इसके बाद अगला स्टेशन जो आएगा वो है ETRC, तो आप लोगों से वहीं पे मुलाकात करता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी खड़ी है CSMT वाराणसी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप देख रहे हैं यहाँ पर आप खड़ी है सूरत भागलपुर, तो दोनों ही जगह पे अपने निर्धारित समय पे दोनों ट्रेन आई हुई है।
फाइनली हम लोग आ गए इटारसी स्टेशन, स्टेशन कोड ET। फाइनली अपने निर्धारित समय पे ये ट्रेन ने जो डिले था वो अपना जर्नी कवर कर लिया इटारसी तक में। तो दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं इटारसी जंक्शन में। हमने अभी तक जो जर्नी कवर की है ये है डिस्टेंस 749 किलोमीटर और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है और यहाँ पे हमारा 10 मिनट ट्रेन का होल्ड है। और जो डिले हुआ था वो तो जर्नी अभी डिस्टेंस कवर कर लिया है ट्रेन में। देखते हैं आगे जाने वाले समय में अभी ट्रेन डिले होती है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन जो बनारस जाने वाली है वो इलाहाबाद जैसे क्रॉस होता है ना, उसके बाद ट्रेन डिले होने लगती है और ऊपर से अभी ठंडी का मौसम है, कोहरा है, उसके कारण ट्रेन डिले हो सकती है। देखते हैं, यहाँ पे अभी तो फिलहाल का होल्ड है और यहाँ पे 3 मिनट बिफोर ट्रेन अराइव हुई है। तो चलो थोड़ा आसपास का नज़ारा है, काफ़ी दिनों बाद आया है इटारसी तो थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा घूमा जाए स्टेशन में। आपको खाने पीने के लिए अंडा बिरयानी है यहाँ पे, समोसा, छोला, इडली सांभर, यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पे, आपको बनाना देखिए यहाँ पे जगह जगह पे, अंडा बिरयानी है और क्या मिल रहा है, ये समोसा छोला, जगह जगह पे देखिए अंडा बिरयानी, चाय मिल रही है गर्मा गर्म चाय। अभी हम आ चुके हैं जबलपुर में और प्लेटफॉर्म 5 में और यहाँ का स्टेशन कोड है JBP। हमने अभी तक कवर किया है 994 किलोमीटर्स और यहाँ पे मेरा 10 मिनट का होल्ड है और प्लेटफॉर्म 5 में हम अभी रुके हुए हैं। तो चलिए कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे स्टेशन पे। काफ़ी मतलब साल में तो आते रहता हूँ मैं, तो मेरे लिए साल में एक ही बार आना होता है यहाँ पे। देखते कुछ खाने पीने के लिए या फिर चाय वगैरह पी लेते हैं अभी स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट तो ट्रेन खड़ी रहेगी या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुछ खा पी लेते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर भी कर लेते हैं।
कवर की है, 1085 किलोमीटर जर्नी कवर की है। और फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ कटनी स्टेशन पे, जो कि है यहाँ पे 5 मिनट का होली ट्रेन का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आई है और ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 43 मिनट डिले पे चल रही है। तो यहाँ पे 5 मिनट होल्ड है, तो अगर चाय वगैरह थोड़ा पी लेता हूँ, और फिर जो साथ में है मेरी मम्मी, मेरे मामा भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रा चाय नाश्ता लेके जाता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने अभी 1183 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अभी मैं खड़ा हूँ सतना स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पे इसका 5 मिनट का होल्ड है और स्टेशन कोड है STA। और अपने निर्धारित समय से ये ट्रेन 1 घंटा 1 मिनट की देरी से चल रही है। तो आप सोच सकते हो इससे कि महानगरी एक्सप्रेस 22177 का क्या हाल है। अब पता नहीं, एक्चुअली दिखा तो रहा है 3:30 बजे का छोड़ने का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अपने निर्धारित समय पे बनारस में मुझे छोड़ेगी। आई थिंक सो 4 या 5 तो बजेगा इसको छोड़ते छोड़ते मुझे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ आज की रात का खाना खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। डिनर मेरा एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं अभी स्टेशन वगैरह पे कुछ अच्छा डिनर वगैरह मिलता है क्या, अदरवाइज़ मुझे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। लेट्स सी, फिलहाल देखते हैं अभी स्टेशन पे, इधर थोड़ा झाड़ी मारता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, फिर आप लोगों से अगला स्टेशन अभी कहाँ पे शायद से चौकी में आप लोगों को मैं मुलाकात करूँगा। वेरी गुड इवनिंग। फिलहाल अभी हमने जो डिस्टेंस कवर किया है ये 1261 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मानिकपुर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। यहाँ पे इसका 5 मिनट का होल्ड है और जो अपनी ट्रेन जो डिले चल रही थी उसने वो टाइम अपना कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो अभी देखते हैं अपने सही समय पे पहुँचाती है कि नहीं। मेरे दिमाग में तो यही है, क्योंकि अगर मैं 3:30 बजे 4 बजे पहुँचा तो मुझे वहाँ से अपने गाँव जाने के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा लफड़ा रहेगा। इसके कारण मैं चाहता हूँ कि ट्रेन थोड़ा लेट हो, तो मतलब 4:05 के करीब भी पहुंचे तो मुझे वहां से साधन मिल जाएगा। तो फिलहाल स्टेशन काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, और कितना बड़ा है स्टेशन आई डोंट नो, क्योंकि मैं पहली टाइम यहां पे उतरा हूं। तो एक अभी इस समय पे तो यहां पे इतना ठंडी, आप देख रहे हैं मैंने कैप पहना हुआ है, मुंह से एकदम ना फॉग निकल रहा है, देखा इतना इस तरह का ठंडी है यहाँ पे। एक्चुअली मुंबई से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ ना, टेम्परेचर काफ़ी चेंज है और क्लाइमेट काफ़ी अलग है, तो ठंड ज़्यादा लग रही है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है चौकी, तो वहाँ पे मिलूंगा। अभी मैंने जैसे पिछले इसमें बताया था कि मैं आप लोगों से चौकी में मिलूंगा, लेकिन मानिकपुर में उतर गया, यहाँ पे 5 मिनट का होल्ड है, तो यहाँ पे इसके बाद अभी आप लोगों से चौकी मिलूंगा। वेरी गुड इवनिंग। 1353 डिस्टेंस अभी तक हमने कवर कर लिया है अपने ट्रेन की जर्नी में। क्या करूँ, मुझे तो बात करने के लिए नहीं हो रहा एक्चुअली, इतना ठंड है यहाँ पे। 1353 जर्नी किलोमीटर हमने कवर किया है। अभी मैं खड़ा हूँ प्रयागराज चौकी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ठंड काफ़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द 6th जैन, और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने देश, अपने गांव बनारस, और हमने कवर किया है 1509 किलोमीटर और एग्जैक्टली सही समय पे हमें ट्रेन ने पहुंचाया है। सो अभी जा रहा हूं ऑटो पकड़ने, क्योंकि 3:30 बजे अभी यहां पे कोई 3:30 बजे कोई यहां पे साधन मिलेगा या नहीं पता नहीं, तो करके निकलते हैं। जैसे होगा जो जो अपडेट होगा आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और नया वीडियो मैं घर पे जाके अगले दिन स्टार्ट करूँगा।
तो फिलहाल वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अगर देख रहे हो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा आपसे अगले से नए से वीडियो में, तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र।